चिकन न्यूज टुडे के साथ इस समय वो शख्सियत हैं जिन्होंने डोगरी को एक नई पहचान दी है, रुमालू राम, पद्मश्री रुमालू राम हमारे साथ हैं। दिल्ली से पद्मश्री अवार्ड लेके आए हैं, इनसे बात करते हैं। रुमालू राम जी, ये दसो जिसले थानू अवार्ड मिलिया दिल्ली च, किस तरह का भावुक पल हा? जी बड़ा गै वो सुनहरा पल हा, वो अज भी मिकी याद आवा करदा कि जे मिकी ये पता कि दोबारा मेरे आस्ते वो पल नहीं आना, पर वो मिकी सारा चेता आया, वो मिकी सारा चेता आया भई मां बोली डोगरी की सारी सरकार ने जेड़ी पहचान दिती 5 जनवरी की राती 11:30 बजे असें रिजल्ट लभिया, तो ओदे बाद मने च इये एक भावना ही कि कतू जाचै, कतू अवार्ड लोचै। बार बार गृह मंत्रालय च फोन करना कि भी अवार्ड सैरेमनी कतू आ कर दी, तो जेले घरा चली पे बड़े एक्साइटेड है, और जंदे जंदे दा अशोका होटल च जाई पुजी है। अस घरे दे 4 मेंबर जेड़े अस गेदे हे और पुजे उत्थे जेड़ा उंदा बंदोबस्त था उन्हें अवार्डियां आस्तै, वो बड़ा ही सराहने योग था। उस अच्छा भी जेड़ा जिस दिन फाइनल रिहर्सल दे बाद अगले दिन अवार्ड थोने शामी 6:30 बजे जेल्लै अनाउंसमेंट होने लगी, तो मेरे खब्बे पास है 2 बड़ियां ग्रेट परसनैलिटीज बैठी दी, एक टोटली हैंडीकैप है और उंदे कन्ने एक मेरे बुजुर्ग जिंदी उम्र लगभग 83-84 साल ही, तो अं एक गिनदा रहा कि हूँ इंदी टर्न आई तो हूँ मेरी टर्न आनी है। जेल्लै मेरे कन्ने जेहड़े बुजुर्ग बैठे थे जेल्लै उंदी टर्न आई तो मेरी मिकी इ'यां सरगंडे जान लगे होना कि धन धन मां बोली, अगर ये भाषा तो ये साड़ी डुगर दी लोक कला जेहड़ी साढ़े बुजुर्गें बचाइए रखी दी, जां मेरे साथियें इसकी मेरे कन्ने निभाने की पूरी कोशिश की, देसराय, ठाकर दास, मस्त राम, कृष्ण चंद, बाबू राम, मदन लाल, रवि बड़ियाल, गणेश भारती, तारा चंद जी, मुनीश वरिंदर सिंह जी, राजकुमार जी, ते बेटी सरस भारती जी, इन्हें सारे जने इन्ना नभाए दा हाँ कि अज लगा करदा कि मां बोली डोगरी की जेड़ा सम्मान थोआ करदा है ये साड़ी विरासत बनी गई, और डुगर प्रदेश के हर परिवार का एक गहना बनी गया, और उस वेले जेड़े पल है वो बड़े खुशी वाले पल है और सुहाने पल थे। एक चीज़ दसो, अज लोग डोगरी की भुला करते हैं, पेरेंट्स डोगरी की बच्चें की डोगरी जड़ी है वो फर्स्ट कोलों पढ़ाना चाहिए ताकि रेगुलर घर च डोगरी बोलनी चाहिए। ये लगिए तुस जिन्हें भी साढ़े डुगर देश के जिन्हें भी पेरेंट्स हैं उन्हें क्या आखना चाहता? आओ हर एक माँ बाप की बिनती करगा कि आओ अपने बच्चें की अपनी भाषा का मूल ज्ञान दे लैचै, की जे ये ज्ञान साढ़े सिवाए और कुसै नहीं देना, और ये भी बिनती करगा कि मां बोली डोगरी जड़ी अज सरकार पासिया भी बड़ी एनरिच भाषा बनी गई, साड़ी सरकार का बड़ा बड़ा योगदान है, तो अस जेड़े भी मां प्यो न अपने बच्चें की इहदा मूल ज्ञान दियो, तां जे साढ़े बच्चे एक बेला पर यह नहीं आखन कि साढ़े मां प्यो की गलती है, असें की साड़ी भाषा का ज्ञान नहीं दिता दा, पर असें की खतरे वाली गल भी नहीं है, बड़ा बड़ा खतरा नहीं है, असें सारे की मिली है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਰੁਮਾਲੋ ਰਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਰਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ,
ਡੋਗਰੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਡੁੱਗਰ, ਜੈ ਮਾਂ ਡੋਗਰੀ। ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਜੋ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਇਸ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਇਸ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸ ਅਸ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਗਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸ ਨਵੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਜੋੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਕਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੱਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗੜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲਣੇ, ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਚੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।